तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू योर चैनल। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा यूएसबी कंडेंसर माइक के बारे में, जो कि माँ उन्होंने अभी काफी टाइम पहले लॉन्च कर दिया था। मैं अब वीडियो की बना रहा हूँ, मतलब कीमत अच्छी काफी सही चल रही है। पहले 4000 से 4500 के बीच में हावर कर रहा था, फिर 4000 हो गया, अभी ये 35 से 400 के बीच में हावर करता रहता है। तो डिपेंड्स अपॉन यू तुम्हें किस कंडीशन में मिलता है। बाकी इस वीडियो में बात करूंगा इसके प्रोज एंड कॉन्स की, क्या सही रहेगा क्या बुरा, किसी किसे खरीदना चाहिए किसी किसे नहीं खरीदना चाहिए, और किसी किसे किसे खरीदना कंसिडर करना चाहिए, क्या ये स्ट्रीमर के लिए काम आएगा या पॉडकास्ट करने वालों के लिए, या फिर जो लोग गाने वगैरह गाते हैं उनके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा इसी का खरीदने में, इसकी क्वालिटी वगैरह और तो इन्हीं सब चीजों के बारे में। अगर तुम इंटरेस्टेड और तुमने क्लिक किया यहाँ तक तो वीडियो पूरा देख के जाना यार, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, जितना भी रहेगा सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। वेल, माउनो का ये यूएसबी कंडेंसर माइक है जो कि टाइप सी के सपोर्ट के साथ आता है। तुम जानते भाई, ये देखो टाइप सी के सपोर्ट के साथ आता है, इनमें टाइप सी का केबल मिलता है, यूएसबी टू टाइप सी यूएसबी पोर्ट तुम्हारे जाता है लैपटॉप में और ये जाता है तुम्हारे माइक में, जैसे कि तुम्हें पता है। और भाई इन्होंने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए 3.5 mm जैक दे रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। 3.5 mm जैक दे रखा है जिससे तुम पीछे से एकदम रियल टाइम अपनी ऑडियो को मॉनिटर कर सकते हो ईयरफोन लगा के, कि कैसी आवाज़ जा रही होगी तुम्हारी स्ट्रीम में या वीडियो में, तुम एक अंदाजा ले सकते हो कि क्या क्वालिटी रहेगी तुम्हारी स्ट्रीम के टाइम पे। और साथ ही साथ इन्होंने एक नॉब भी दे रखा है कि इससे तुम अपने वॉल्यूम अपने साउंड को वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये एक बहुत ज़्यादा हैंडी फीचर लगता है मुझे। मैं जब भी अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ ना, तो मैं इसी नॉब को यूज़ करता हूँ, स्पेशली जब भगता भगाता कोई मेरे कमरे में घुस आता है या फिर किसी को कुछ सामान चाहिए होता है या मुझे स्ट्रीम टाइम में डिस्टर्ब करना चाहते हैं जो लोग, वो आ जाते हैं, तो मैं इस नॉब को घुमा के नीचे कर देता हूँ और इतनी देर में लफड़ा सुलटा के मैं उन्हें वापस भेज देता हूँ, फिर दोबारा मैं नॉब को ऊपर कर लेता हूँ। तो मुझे ये बहुत ज्यादा हैंडी फीचर लगा, इससे नॉब से वॉल्यूम तुम्हारी बहुत ज्यादा कम भी हो सकती है। वो चीज़ बहुत ज्यादा बेकार लगती है कि तुम जब बार बार स्ट्रीम खोलो, OBS खोलो, उसमें माइक बंद करो, फिर बातचीत करो, फिर माइक चालू करो, वो बेकार है। ये फंडा बहुत बढ़िया भाई, इन्होंने नॉब दे रखा है, वॉल्यूम नॉब को जब जरूरत पड़े तब बढ़ा दो फिर घटा दो, बस फर्स्ट क्लास भाई। ये बहुत ज्यादा हैंडी फीचर है, ये तुम्हारे भी बहुत काम आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जिन लोगों के घर में डिस्टर्बेंस होता रहता है ना, उन लोगों के लिए तो बहुत हैंडी फीचर बनेगा मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बाकी तुम इसे स्ट्रीमिंग में भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं स्ट्रीमिंग में डेली यूज़ करता हूँ। बाकी तुम क्वालिटी देखना चाहो स्ट्रीमिंग में, देखना इसी चैनल पे स्ट्रीम करता हूँ, तुम जाकर देखना चाहो तो देख सकते हो स्ट्रीम में क्या क्वालिटी वगैरह आती है। बाकी मैं तुम्हें खुद भी सुना दूंगा, ये सुन लो भाई तुम्हारी कैसी ऑडियो आ रही है। ये बिल्कुल ही प्योरली अनएडिटेड ऑडियो है, बिल्कुल साफ सपाट ऑडियो है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से जब आगे से स्टार्ट है वो एडिटेड ऑडियो है, तो इसमें तुम देख के अंदाजा लगा सकते हो क्वालिटी में कितना अंतर आता है। इसकी भाई प्योरली साफ सुथरी जितनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकता है ये वो करता है, मतलब अच्छा खासा कैलिबर है इसमें। 3500 रुपए पे कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि कचरा बचरा पे कर रहे हो भाई, फर्स्ट क्लास है ऑडियो तुम्हारी, एकदम टॉप नॉच रिकॉर्ड करता है, तुम जितनी कीमत दे रहे हो ना उसके हिसाब से भाई बहुत बढ़िया रिकॉर्ड करता है। बाकी बात करें बिल्ड क्वालिटी की, भाई इसमें जो आगे से ये नेट मिलती है जो कि साउंड को तुम्हारे कवर करती है, जो कि फूक फाह जैसी आवाज आती है, इन शॉर्ट बोलो जिसमें तुम्हारा थूक ठीक आकर बहुत तेजी से बाहर आता है और माइक पे चिपकता है, वो आवाज आती है वो फूफा की, वो तुम्हारी साउंड को कम करने के लिए जो आगे से नेट मिलता है इसमें लगा रहता है, वो कपड़े का नहीं मिलता, प्लास्टिक का मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तुम्हें बाकी माइक में देखोगे ना, तुम्हें वो नेट कितने का क्या मिलेगा, वो कपड़े का मिलेगा, और वो काफ़ी लंबे टाइम नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहता, वो खराब हो जाता है कुछ टाइम बाद, तुम यूज़ करोगे थोड़ी देर में टाइम में खराब हो जाए, इसमें वो नेट मिलता है प्लास्टिक का, खराब ही नहीं होता भाई, कितना उंगल कर लो कोई दिक्कत नहीं, प्लास्टिक का मैप है बहुत लंबे टाइम तक चलेगा भाई। प्लास्टिक के मैप से तुम्हारी वॉइस भी कंट्रोल हो जाती है, क्वालिटी भी साफ हो जाती है, और वो लॉन्ग रन में ड्यूरेबल भी पा जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम फर्स्ट क्लास काम चलेगा तुम्हारा। और प्लास्टिक का भले ही है भाई तुम्हें, लेकिन ये उन जो माइक आते हैं जिनमें कपड़े वगैरह का माइक नेट मिला रहता है आगे से, उनसे तो बहुत बेहतर काम करेगा। प्लस ये पूरी बॉडी प्लास्टिक की आती है तुम्हें मैं बता दूँ, बट हाँ इसमें टाइप सी का सपोर्ट है, याद रखना इसका आउटपुट टाइप सी से लेता है ये, जो कि यूजली यूएसबी टू यूएसबी वाले आते हैं, कईयों में तो भाई वो अलग सब मोटी मोटी तारे भी आती हैं जिन्हें तुम अलग से ठूसना पड़ता है भाई, वो सब तो मेरे को अलग ही जुआड़ लगता है, मैं तो पर प्रीफर भी नहीं करता, और तुम्हें भी कहूँगा कि नहीं मत ही लो यार, वो इतने लंबे लंबे खंबे से माइक, तुम इतने हमारे पास छोटा सा सेटअप है, इतनी सारी जगह नहीं है, तुम उन पर पैसा खर्चने जा रहे हो, ये बहुत छोटा है कॉम्पैक्ट है तुम्हारा काम चलेगा, ये बहुत छोटा है हैंडी है कॉम्पैक्ट है, इसे चाव कैरी करना तो तुम कैरी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने साथ उठा के चल दो, जान ले जाना कहीं ट्रिप पर ले जाके एडिट करनी है ऑडियो डालनी है, फर्स्ट क्लास काम करेगा भाई, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसा भी नहीं कोई बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता हो, तुम्हारे लैपटॉप की बैटरी भी आराम से चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट तुम्हारी एक वीडियो बन के एडिट करवा देगा फुल, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना काम चल जाता है तुम्हारा। बाकी अब मैं बात करूँ भाई इसमें बेकार क्या लगा मेरे को, इसमें कौन क्या लगा भाई, इन्होंने ये इसके बॉक्स के साथ ट्राईपॉड इंक्लूड तो कर दिया है, ठीक है, इसके साथ इन्होंने ट्राईपॉड दे रखा है, ट्राईपॉड कहूँगा क्या कुछ भी कहूँ, इसे इसकी टांगे बोलूँ मैं, इसकी टांगे क्या करते हैं, जब तुम इसे उठा लेते हो ना, तुमने इसे ऊपर उठा लिया
तो ये दिक्कत क्या करता है मैं बताता हूँ। जब तुम इस जैसे इसे उठा लेते हो ना, इसकी टांगे मुड़ जाती हैं, बंद हो जाता है, मतलब थोड़ा सा भी हिला तो इसकी टांगे मुड़ जाती है। इस शॉर्ट बोले थे, एक घोड़ा है अपनी टांगे सिकुड़ के बैठ जाता है, और अगर तुमने ज्यादा छेड़छाड़ करी, इसे ज्यादा हिलाया डुलाया, तुम्हारे घर में भूकंप ज्यादा आते हैं तो ये नीचे गिर के डैमेज भी हो सकता है। तो तुम्हें इसे केयर के साथ रखना पड़ेगा, इसे फुल रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, इज्जत दे के रखना पड़ेगा। इन शॉर्ट, इसके साथ छेड़ या हुरहार वाला काम नहीं चलेगा। अगर तुम इसके साथ लफड़ा नहीं करोगे तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, सिर्फ रखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, थोड़ा है ड्यूरेबल, इतना नहीं है कि भाई तुम दसवें माले से नीचे गिर के ये बच जाएगा, नहीं बचेगा, इंसान नहीं बचता ये, तो फिर भी माइक है ड्यूरेबल। वैसे ही थोड़ी बहुत करोच वगैरह झेल लेगा, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ फिर से वही बात बोलूँगा, छठे माले से फेंकोगे तो नहीं बचेगा, उसकी मैं नहीं कहता। बाकी इसकी टांगे ये है कि जैसे तुम उठा लेते हो तो ये ट्राइपॉड की टांगे मुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तुम्हें इन्हें खोलना पड़ता है। ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी अनोइंग सी लगी, अगर मैं थोड़ा सा भी खिसका देता हूँ तो इसकी टांगे बंद हो जाती हैं, तो उस चीज़ से तुम्हें डील करनी पड़ेगी। 3,500 में इतनी ट्राईपॉड भी इसी के साथ आ रहा है, माइक भी आ रहा है उसके साथ, आगे नेट भी लगा आ रहा है जो ऑडियो को क्लियर करता है, और ऑडियो मॉनिटरिंग भी मिल रही है रियल टाइम में, तो बड़ी बात है यार 3,500 में, और क्या लोगे 3,500-4,000 में। मेरे ख्याल से ज़्यादातर माइक तो 10,000 के आसपास आते हैं, जो इससे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी वगैरह ऑफर करते हैं, बट 3,500-4,000 में बुरा नहीं है यार, इतना सब पैकेज बना के एक दे रहे हैं। बाकी स्ट्रीमिंग में क्वालिटी भाई ठीक ठाक चली जाती है, और ऑडियो पॉडकास्ट तो मैंने किया नहीं अभी तक, स्ट्रीम तो मैं कंसिस्टेंटली करता रहता हूँ। बाकी मैं जो यूट्यूब पर जो वीडियोस बनाता हूँ अपनी, वो भी इसी से बनाता हूँ, उनमें भी क्वालिटी मेरी इसी से जाती है, तो तुम देख के बता सकते हो यार। और तुम पूछना चाहोगे कि मैं ऑडियो कैसे एडिट करता हूँ और क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो मैं उस बारे में भी वीडियो बना दूंगा, बस तुम उससे पूछो मैं ऑडियो कैसे एडिट करता हूँ तो मैं बता दूंगा। प्रीमियर प्रो में कैसे एडिट करता हूँ वो बता दूंगा, और प्रीमियर प्रो के बिना चाहते कि कैसे एडिट करता हूँ तो मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा। मेरे पास दोनों तरीके के जुगाड़ है, और मैं दोनों को कंबाइन यूज़ करता हूँ बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट लेने के लिए, ताकि साउंड क्वालिटी मेरी फर्स्ट क्लास निकले और इंगेजिंग लगे। सबसे बड़ी बात बात करें इसके, भाई देखो ये माइक जो आता है ना, ये प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है, बस ये किस किस के साथ सपोर्ट करता है, ये तुम विंडोज़ में लगाओगे तो फर्स्ट क्लास काम करेगा एक ही बार में, बस तुम्हें इसका जैक घुसाना है और दूसरा अपने माइक में घुसाना है और तुम्हारा काम चालू हो जाएगा, एक वर्क करेगा। ये कंपैटिबल है तुम्हारे विंडोज़ के साथ, प्लेस्टेशन 5 के साथ और मैकबुक के साथ, याद रखो भैया। यहाँ पे एप्पल का सपोर्ट भी है, याद है ज़्यादातर माइक में एप्पल का सपोर्ट नहीं होता है, ये बड़ी बात है। बाकी तुम इसे यूज़ कर सकते हो अपने यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पे, स्काइप पे बात करो तो यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे लाइव जाते हो तो तुम इसे यूज़ कर सकते हो, बाकी ट्विच अगेन भाई लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो ट्विच भी यूज़ कर सकते हो, फेसबुक के लाइव जाते हो तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे भी तुम्हें कोई ऑप्शन दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें फर्स्ट क्लास ऑडियो वगैरह जाती है। जूम कॉलिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो, जूम कॉलिंग वगैरह के लिए वैसे 3,500-4,000 रुपये कोई फूकेगा क्या? ज़्यादा पैसे वाले लोग फूक सकते हैं, बट मिडिल क्लास या मिड रेंज वाले हार्डली। हाँ तुम्हें एक बात बता दूँ, ये एक्सबॉक्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, बस ये चीज़ समझ लेना, क्योंकि प्लेस्टेशन के साथ PS5 के साथ कंपैटिबिलिटी आ रही है तो एक्सबॉक्स के साथ नहीं आएगी। ये तो सिंपल सा फंडा है भैया, जिसकी एक्सबॉक्स के साथ आती है उसकी PS के साथ नहीं आती, जिसकी PS के साथ आती है उसकी एक्सबॉक्स के साथ नहीं आती। ऐसा क्यों है मैं भी आज तक इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ भाई, मुझे पता चलेगा तो मैं तुझे ज़रूर बता दूंगा। बाकी लेटेंसी वगैरह इनकी 0 है, रियल टाइम में ऑडियो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, और क्वालिटी भाई टॉप नॉच जाती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तुम चाहते हो तुम अपनी क्वालिटी को और एनहांस कर सकते हो, तो तुम एडिट वगैरह में अपनी ऑडियो को थोड़ा चेंज कर सकते हो, ट्यून अप कर सकते हो, ताकि और रिफाइन कर सकते हो और फर्स्ट क्लास है ना। बाकी ये क्वालिटी भाई एकदम परफेक्ट और एक्चुअल साउंड कॉपी करता है। तुम सोचते हो कि इसमें कोई एयर कैंसिलेशन वगैरह का फीचर है कि नहीं है, भाई नहीं भाई, इसमें एयर कैंसिलेशन का कोई फीचर नहीं है, ये एज इट इज़ बिल्कुल एक्चुअल वॉइस कैप्चर करता है, फिर तुम उसे अलग से रख के एडिट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इसमें कोई एयर कैंसिलेशन वाला कोई फीचर नहीं है, अगर तुम्हारे पीछे से कोई साउंड आ रही है या कोई फूक रहा है या ये वाली हरकत चल रही है, ये चुटकियाँ बजा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो भी रिकॉर्ड होता है। तुम्हारे पीछे से गाड़ी घोड़े खच्चर हेलीकॉप्टर उड़ के जाएगा तो वो भी रिकॉर्ड होगा, सिंपल सी बात है, वो भी रिकॉर्ड होगा, उसके साथ ये तुम्हारी ऑडियो जाएगी जाएगी, साथ ही साथ वो पीछे जो भटक रहा है तुम्हारे काली आत्मा की तरह, उसकी भी ऑडियो जरूर साथ में जाएगी। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, तुम जब इसका इस्तेमाल करो तो बिल्कुल शांति के साथ यूज़ करना, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम वगैरह फेस ना हो, तो ये चीज़ समझ लेना। बाकी तुम उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आएगी तो भाई लाइक कर देना, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तुम्हारा फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, फीडबैक से ही तो समझेंगे हम तुम्हें हमारा वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, वही हमें हेल्प करेगा ग्रो करने में। बाकी मिलते हैं आज रात की वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड सायोनारा। वेल, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई के चैनल को, थोड़ा सा इन्हेंसमेंट मिल जाएगी भाई, एक आध सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा भाई का, वैसे भी हार्डली लोग सब्सक्राइब करते हैं मुझे। वेल,
अगेन उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं भाई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड सायोनारा। Cause we were always in trouble, and all the cool kids.